पर बहुत ही जो जज रहा है तिलक, ये तिलक लगाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर हर हिंदू अपना कर्तव्य जानकर अगर कार्य नहीं करेगा, मेरे भाइयों, इस बार की शोभा यात्रा में हमने बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी मस्जिद होती है, सिद्दंबर बाजार मस्जिद कहते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मस्जिद है। जैसे भाई साहब ने कहा है कि अगर हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ये लोग एक मीटिंग करते हैं, और जितने भी जो मौलवी होते हैं, जितने भी जो मुस्लिम्स के जो नेता होते हैं, उनसे एक चर्चा करते हैं वो लोग, और उनको ये कहा जाता है कि रामनवमी के अवसर पर राजा सिंह शोभा यात्रा निकालता है, पता है आपको, उस दिन एक भी मुसलमान टोपी पहन के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा गवर्नमेंट मीटिंग करके बोलती है मेरे भाइयों। सरकार मीटिंग लेकर उन मौलवियों को, उन मुसलमानों को यह कहती है कि एक भी मुसलमान उस दिन टोपी पहन के बाहर नहीं निकले, अगर निकला तो उसका जिम्मेदार वो खुद। शोभा यात्रा के दौरान जितनी भी जो मस्जिदें होती है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें, कभी कभी जैसे 2 साल पहले शुक्रवार के दिन रामनवमी थी, नमाज पढ़ना बंद कर दिए, मस्जिदें खाली हो गई। इसका एक ही कारण है, जैसे नारा अभी भाई ने लगाया है कि हिंदू संगठित हो गया तो हमेशा हमारी जीती जीते, मेरे भाइयों, हमेशा हमारी जीती जीते। सारी की सारी मस्जिदें ढक दी गई, सारी की सारी मस्जिदें ढकी गई, और हर मस्जिदों को लॉक, ताला डालकर सबके सब लोग ओल्ड सिटी में जाकर बैठ गए। ये बहुत बड़ी विजय है मेरे भाइयों, हम सबकी ये बहुत बड़ी विजय है। और खुलेआम जो गौ हत्या होती थी, आज मुसलमान गाय काटने के लिए डर रहा है ओल्ड सिटी में। 7 MLA, 1 MP और 50 नगर निगम पार्षद उनके, फिर भी उनके मन में एक भय का वातावरण पैदा हुआ है, और वो पैदा सिर्फ एक ही कारण से हुआ है कि वहां का हिंदू नौजवान आज शिवाजी महाराज जैसा खड़े हो चुका है। मैं चाहता हूं कि हर राज्य में एक नौजवान की शक्ति का निर्माण हो, हर राज्य में नौजवानों की शक्ति का निर्माण हो, फिर देखिए आपका हर वो संकल्प पूर्ण होगा। ये सत्य है मेरे भाई, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। जैसे ये 4th वर्ष है अधिवेशन का, और पिछले 4 वर्षों से मैंने क्या किया है आपके सामने रखा है, और इस बार भी मैंने क्या किया है वो भी आपके सामने रखा है, और इसका उदाहरण आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, हर वो कार्य कि हमने किस तरह से सिर्फ 2 कार्यकर्ताओं को लेकर हमने तैयार किया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से लाखों की संख्या में नौजवान आज खड़े हो गए धर्म के प्रति। सिर्फ आपका थोड़ा सा समय का बलिदान देने की आवश्यकता है मेरे भाइयों, थोड़ा सा समय, हर बस्ती बस्ती चले जाओ, हर घर घर चले जाओ, नौजवानों को धर्म के प्रति जागरूक करो, एक संगठन का निर्माण करो, फिर एक कोई ना कोई आयोजन लेकर एक शोभा यात्रा निकालो, एक सभाएं करो, अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाओ, फिर देखिए नौजवानों में धर्म के प्रति किस तरह से भावना जागती है, किस तरह से हमारा संगठन बढ़ता है। जैसे इस बार हमने मन से एक छोटा सा एक डायलॉग मारा था कि इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। हमारे इस भारत देश में आतंकवादियों के लिए शरण नहीं है, नहीं तो एक एक को गोली मारकर हम भगा देंगे पाकिस्तान। ये नारा हमने खुलेआम रामनवमी की शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में, मैं एक बहुत बड़े डीजे पे होता हूं जिसमें साउंड सिस्टम लगा होता है, एक मेरे हाथ में माइक होता है और मेरे पीछे लाखों की संख्या रहती है, उस डीजे पे ठहरने खुलेआम ये डायलॉग मारा था, और सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मुझे हाथ बता रहे थे कि भैया चुप बैठो। मैं बोला जो करना है कर लो, क्या करेंगे, एक छोटा सा केस लगाएंगे। एवरी रामनवमी पर मेरे भाइयों 5 से 10 केसेस मेरे ऊपर बुक होते हैं, एवरी रामनवमी के लिए, हर रामनवमी पे केस। क्या होगा, आधा टाइम मेरा ऑफिस में जाता है तो आधा टाइम मेरा कोर्ट पर जाता है।
कोर्ट में भी मैं ऑफिस का ही काम करता हूँ, बिल्कुल नज़दीक है मेरे घर से कोर्ट, कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, अत्याचार करना उनका काम है, दबाना उनका काम है। अगर हम धर्म के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं तो डरो मत।